Hello to all beautiful people. Here Rajvi this side. Welcome to this channel Personality Development with Rajvi. आज के ये जो वीडियो होने वाली है ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाली है, जो लोग स्टडी करते हैं या जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं. बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिन्हें मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस इन तरीकों के साथ जुड़ा हुआ है. ये तरीके, ये टिप्स कुछ ऐसी हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी स्टडी पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अपना मन लगाने के लिए. ओके, सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना है. सो चलिए जानते हैं उनमें से पहला तरीका जो है वो कौन सा है. सो पहली चीज जो आपने करनी है स्टडी में मन लगाने के लिए, इट इज कि आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है. टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्टडी में. पहले मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करती थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं ना, तब पता क्या होता है, जो फालतू का स्ट्रेस रहता है कि इतना सिलेबस है, ये सब चीजें हैं, कैसे होगा, जब हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने सारी चीजें बांट ली, तब हमें वो स्ट्रेस नहीं रहता है. हमें पता है अगर हम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चले गए ना स्टेप बाय स्टेप, तब हो ही जाना है. तो स्टडी करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका पढ़ाई में मन लगे, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करें. आपने एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है. अच्छे टाइम टेबल में कौन सी क्वालिटीज होती है, क्या मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है. पहले मैंने बनाई थी कि बहुत ही वक्त पहले, आई बटन में उस वीडियो का मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक करिएगा. बट आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है. आई गेस 60% तक लोग ऐसे होंगे जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी ही नहीं करते हैं. अच्छा आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं छोड़ देते हैं. हर एक सब्जेक्ट का आपने टाइम टेबल बनाना है, उसे वक्त देना है. सो पहली चीज, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने स्टडी करनी है. सेकेंड चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इट इज कि आपने रटना नहीं है, आपने समझना है. सी, जब हमारी क्लास छोटी होती है ना, तब हम रट भी लेते हैं ना तो चलता है. बट जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे अगर आपकी ये आदत बन जाएगी कि आप रटते हो फिर लिखते हो, तब वो बहुत ही टेम्परेरी हो जाता है. वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा. ज्यादा देर तक चीजें आपके दिमाग में रहे, आपको याद रहे, पढ़ाई में आपका मन लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने रटना नहीं है किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, आपने समझना है. क्योंकि अगर आप रटने भी लगोगे तो आप कितनी देर रट लोगे और कितने के सब्जेक्ट को आप रट्टा मारोगे, राइट? सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, सबको रट्टा मारोगे तो नहीं चलेगा. और वैसे भी आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या सीखने के लिए पढ़ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. अगर सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो कि हाँ एग्जाम देने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, दैट्स इट, तब तो फिर आप कुछ भी करो कोई फायदा ही नहीं. अगर सीखने के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं लगाना है. रट्टा ज्यादा देर तक नहीं चलता है, एक टाइम के बाद आपको खुलने लगती है चीजें, तो आपने समझना है. ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, जैसे जैसे हम चीजों को समझने लगते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट बनने लगता है उस टॉपिक में, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, उस तरीके से. तो दूसरी चीज जो है वो आपने ये करनी है. तीसरी चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपका पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए आपने नोट्स बनाने. हम क्या करते हैं, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है ये डन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारे सिलेबस का हमारा आधा सिलेबस चलो हो गया, ठीक है हमारे अकॉर्डिंग. हम क्या है, हमें लगता है कि ये हमें आता है, हम नोट्स नहीं बनाते. हम फिर इसे कब पढ़ेंगे, एग्जाम के पास जाकर पढ़ेंगे. तो यहीं पर हम गलती करते हैं, इसलिए मार्क्स भी काफी कम आते हैं. तो आपने ये जो तीसरी चीज है, आपने नोट्स बनाने. कोई भी टॉपिक अगर आपने डिटेल में पढ़ा है, कोई भी एक चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज हो गई या कुछ भी, आपने उसके ना नोट्स बना लेने हैं. ये चीज मैं आज भी करती हूँ. फिर उन नोट्स को जब आपने रिविजन करनी है ना, आपने वो नोट्स पढ़नी है. जैसे जैसे आप वो पॉइंट्स पढ़ते जाओगे ना, उनके आगे क्या था वो चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद रिकॉल होने लगती है. तो आपने नोट्स बनाने हैं अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, आपके मार्क्स अच्छे आए, ज्यादा देर तक चीजें आपको याद रहे. जो भी आपने पढ़ा है उसके थोड़े से नोट्स बनाकर आप रख लो, फिर रिविजन के वक्त आप उन नोट्स को पढ़ो और ऐसे ही आपने रिविजन करनी है. सो ये थी तीसरी चीज. फोर्थ चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इट इज आपने ना एक ही सब्जेक्ट को एक ही दिन में बार बार नहीं पढ़ना है. जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो एक दिन में आप पहली सिटिंग भी आपने जो 45 मिनट की थी या आधे घंटे की थी वो भी आपने मैथ्स को दी, दूसरी भी, तीसरी भी,
एग्जाम से पहले चलता है, क्योंकि हमें पता है हमारा टारगेट क्या है, सामने ये एग्जाम है, उससे पहले जितने भी आपके हॉलीडेज होंगे या दो तीन छुट्टियां होंगी आप उसमें वो चीज करो। बट अगर आप अपनी डेली रूटीन में, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज या फिर आप उसमें वीक हैं या फिर वो आपको बहुत पसंद है, यही दो रीजन होते हैं जब हम किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने लगते हैं। बट आपने ये चीज नहीं करनी है, एक ही सब्जेक्ट को एक ही दिन में आपने बार बार नहीं पढ़ना है। क्यों? इससे क्या होगा, आप बोर होने लगोगे उस सब्जेक्ट से, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में से जाने लगेगा। तो आप बोर ना हो, आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप एक सब्जेक्ट को एक दिन में बार बार ना पढ़े। ओके, सो ये फोर चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑन नंबर 5, इट इज वाई क्लैरिटी। आप स्टडी कर क्यों रहे हो? सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं या फिर इसके आगे भी आपका कोई पर्पस है? आपको अपने पर्पस की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ये चीज आज आपने एज अ टास्क भी करनी है अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो और इसका जवाब भी आपने ढूंढना है। अगर आप मेडिकल कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो आपका कोई सपना होगा, है ना, डॉक्टर बनना है ये आपका सपना है, क्यों वही चीज आपके सपना है, इस चीज को, इस जवाब को आपने फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से मोटिवेशन देगा। इस चीज को आपने आज जो है ट्राई करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस तरीके से आपने क्या है वो जवाब ढूंढना है कि क्यों आप स्टडी कर रहे हो। फिर उससे रिलेटेड आप थोड़ी बहुत इमेजिनेशन भी करो, ये सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपके पास एक क्लियर वाई, क्लियर पर्पस होना चाहिए, तीन या चार शब्दों में आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर आप स्टडी कर रहे हो या ये काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ओके, ये चीज जो मैं आपको सजेस्ट करी है 5th नंबर पे, कि आपको वाई क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 6th नंबर पे, इट इज कि पढ़ाई का माहौल बनाओ। आपके आसपास का जो माहौल है वो पढ़ाई वाला होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे। एक साइड पे कोई टीवी देख रहा है, एक साइड पे कोई खेल रहा है, कोई इधर बैठा खाना खा रहा है और आप चाहते हो कि मेरा फोकस मेरी स्टडी पर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं, ये चीज नहीं हो सकती है। आपके आसपास माहौल स्टडी वाला होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, एयर अच्छी होनी चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो है वो पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, हमारा बहुत बार स्टडी में मन ही इसीलिए नहीं लग पाता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं आसपास के लोगों की जो हरकतें होती हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, वो जैसे भी नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, वो सब हमें डिस्टर्ब करती है। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब बना बनाया फोकस जो होता है आपका 15-20 मिनट का, वो भी खराब हो जाता है। तो पढ़ाई का माहौल आपके आसपास होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, आपके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं। इस चीज को आपने ट्राई जरूर करना है। ऑन नंबर 7th जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो थोड़ा सा फनी है सुनने में, बट यस, आपके पास सारा सामान होना चाहिए पढ़ने का, सारा सामान आपने साथ में लेकर बैठना है। अब आप बैठ चुके हो स्टडी करने के लिए, आप स्टडी कर रहे हो, आपको लगा कि हाँ अच्छा मेरी ये गाइड या मेरी ये नोटबुक कहीं रह गई, मेरे नोट्स अंदर रह गए या कुछ भी, आप अपने रूम में चले गए। फिर जब आप उस सामान को ढूंढने लगते हो, वापिस लेके आने लगते हो, उसी के बीच में कोई आपको मिल गया, किसी ने आपको कोई बात बोल दी, या टीवी में कोई सीरियल चल रहा है उसका कोई डायलॉग दिमाग में आपके आ गया, कुछ भी, वो चीज आप 5 मिनट के लिए जाते हो 15-20 मिनट लगाकर आते हो, तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, आपका स्टडी का जो टाइम है वो भी खराब जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो, आपका मन तो फिर क्या ही नहीं है, राइट? जो भी आपकी नोटबुक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सामान, पेन पेंसिल, जो भी आपको नीड है, वो आपने एक ही बार में साथ लेकर बैठना है, पानी भी, बार बार आपने उठना नहीं है, ठीक है? जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी एक सिटिंग आधे घंटे से 45 मिनट के बीच की होनी चाहिए, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच तक की आपकी जो एक सिटिंग है वो होनी चाहिए, उससे पहले आपने नहीं उठना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इट इज मेक स्टडी योर टीम वर्क। आपने डेली स्टडी करनी है। अगर आपको लगता है कि आज आपने अच्छे से पढ़ा 2-3 घंटे, कल को कुछ नहीं पढ़ोगे, उसके अगले दिन कुछ नहीं पढ़ोगे, 3-4 दिन बाद फिर से आप चाहते हो कि मैं उसी तरीके से पढ़ूं या जितना अच्छे से मैंने पहले स्टडी करी थी फर्स्ट डे वैसा ही हो, तो ये नहीं होने वाला है। द
कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, ये डिसिप्लिन बनने में भी आपको बहुत हेल्प करती है। तो स्टडी आपने डेली करनी है अगर चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि मन आपका तभी लगेगा जब आपका इंटरेस्ट बनेगा। डेली डेली किसी चीज को पढ़ते जाओगे, इंटरेस्ट बनना ही है, एटलीस्ट वो चीज आपके दिमाग में तो रहेगी, राइट? तो आपने डेली स्टडी करनी है, इस चीज को अपना रूटीन ही बनाना है आपने अगर पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करे हैं टोटल 8 टिप्स या 8 तरीके पढ़ाई में मन लगाने के लिए। इन्हें ट्राई जरूर करके देखना। ओके, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, उसे भी एक बार ट्राई करना, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को डिवेलप करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।